हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल लर्निंग विद मैम। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो इसके पहले हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, उसकी डेथ के बाद जो कुछ उसके वीक सक्सेसर्स हुए थे, तो उसमें से लास्ट रूलर जो था खिलजी डायनेस्टी का, खुसरो, उसको डिफीट करके गाजी मलिक ने दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा कर लिया। और जो दिल्ली सल्तनत पे उसने अपना कब्जा कर लिया, तो उसका जो किंगडम है वह तो बहुत ही बड़ा था, और लॉलेसनेस के लिए, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हुआ था, तो उसके सक्सेसर्स उतने अच्छे नहीं थे कि वे पीस मेंटेन करके रख सके। तो लॉलेसनेस के कारण पूरा भारत जो है, सॉरी, पूरा दिल्ली सल्तनत अनरेस्ट में था। तो गाजी मलिक ने खुसरो को हराकर एक न्यू डायनेस्टी शुरू की, जिसे हम लोग कहते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट तुगलक डायनेस्टी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। गाजी मलिक ने आगे चल के गियाजुद्दीन तुगलक का, और वे रूलर बन गया, तब उसने नाम लिया गियाजुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने नाम लिया गियाजुद्दीन तुगलक का और फाउंडेशन किया एक न्यू डायनेस्टी का, जिसे हम लोग कहते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो ये जो है, वे एक बहुत ही काइंड रूलर था, बहुत दयालु रूलर था। पहले तो इसने अपनी पूरी कंट्री में पीस मेंटेन किया, और बहुत सारे टैक्सेस से जो पीपल इम्पोज थे उनसे टैक्सेस हटवा लिया, और तथा पीपल के वेलफेयर के लिए बहुत सारे इसने काम किए। अब एक बार इसका जो बेटा था, उसका नाम था जूना खान। तो जो जूना खान था, उसने एक वेल प्लान्ड सिस्टम में ये जो है गियाजुद्दीन तुगलक को मर्डर करवा दिया। इसके अपने ही बेटे ने इसका मर्डर करवा दिया, इसे मरवा दिया। तो कैसे मरवाया? तो एक पंडाल इसके वेलकम के लिए बनाया गया था, और जब ये गियाजुद्दीन तुगलक उसमें गए, तो पंडाल उन्हीं पर फेल कर गया, जो कि पहले से रचा रचाया षड्यंत्र था, और उसमें इनकी डेथ हो गई। अब वे जो है सो खुद रूलर बन गया। ऐसे तो इनकी डेथ के बाद उसे ही मिलता, लेकिन उसे बहुत जल्दी थी, कितना जल्दी हम शासन में आए, तो इसीलिए उसने इन्हें मरवा दिया। अब गियाजुद्दीन तुगलक के बाद तो राजा बन गया जूना खान, जो कि रूलर के पोजीशन में था, तो वे अपना नाम लिख लिया मोहम्मद बिन तगलक। तो इसने अपना नाम रख लिया मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो है, इसे वाइज फूल कहा जाता है, मतलब ये बहुत बुद्धिमान था, लेकिन इसके पास कॉमन सेंस नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज, बट ही हैज़ अ लैक ऑफ कॉमन सेंस। इसने जितने भी प्रोजेक्ट किए, अधिकतर प्रोजेक्ट फेल हो गए। एक उनमें से प्रोजेक्ट, अब हम एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट देखिए, इसने कॉपर टोकन करेंसी लॉन्च किया, जिसके कारण राजकोष को, रॉयल ट्रेजरी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इसका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, फिर इसे हटाना पड़ा ये सिस्टम। और इसने क्या किया कि सभी पे टैक्स लगवा दिया, सभी फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगवा दिया, 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस इसने टैक्स लगवा दिया। और तो फार्मर्स ने क्या किया, कल्टीवेशन ही छोड़ दिया और कंट्री से पलायन कर गया। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी प्रोजेक्ट फेल हुआ। अब एक और प्रोजेक्ट इसने किया कि इसने अपने कैपिटल को क्या किया कि इसका कैपिटल था दिल्ली में, तो इसने दिल्ली की जगह देवगिरी में अपना कैपिटल शिफ्ट किया। दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी में दौलताबाद एक जगह है, इसने वहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद में गया, जो कि वहाँ से बहुत किलोमीटर्स दूर था। तो दौलताबाद दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर था।
950 किलोमीटर दूर था, फिर भी इसने वहाँ पे मूव किया। और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जगह जगह पर रेस्ट हाउस थे, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत कम था तो उसके कारण लोग जो थे वे रास्ते में ही मर गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेना इसकी रास्ते में ही मर गई। और ये जब ये गया था क्योंकि उस समय मंगोलियन इन्वेशन होता था, तो मंगोलियन इन्वेशन से अपनी कंट्री को बचाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह देवगिरी की तरफ गया था। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि ये जब साउथ की तरफ मूव किया तो नॉर्थ पे ही मंगोलियन इन्वेशन करके नॉर्थ के ही कैपिटल को कंट्रोल करना चाहे। तो फिर ये क्या किया कि फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली अपने कैपिटल को मूव किया। तो अब जो है सो फिर दिल्ली में आ गया। तो फिर 950 किलोमीटर में बहुत सारे पीपल्स की जो हैं वे गिर गए, चलते चलते थक कर मर गए। बहुत सारी सेना भी इसकी नष्ट हो गई। तो भी चलिए प्रोजेक्ट चला। अब देखिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक का इतना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है, तो हमने ये जाना कि इसके टोटल प्रोजेक्ट फेल हुए। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है इसका बेटा। इसका बेटा कोई नहीं था तो इसने, इसके बाद इसके कज़न ने सल्तनत पे राज किया। कज़न इसका सुल्तान बन गया जिसका नाम था फिरोज तुगलक। तो जो फिरोज तुगलक था वे एक बहुत ही अच्छा रूलर था, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा रूलर था। इसने, ये एक स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम था, कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। तो ये जो है सो सिया और हिंदू को तो बैडली ट्रीट करता था, लेकिन इसने मुस्लिम्स और बहुत सारे लोगों को, इसने अपने प्रजा के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, इसने नए नए लेक्स और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, पुराने टैंक्स को रिपेयर करवाया। और इस तरह फिरोज तुगलक ने बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क किया। ये जो था फिरोज तुगलक, वे स्मॉलर डिनोमिनेशंस का भी कॉइन लाया, कम वैल्यू का कॉइन लाया, जिसके पीपल को बहुत सहायता हुई। ये इनसे, इन पे जो टैक्स लगवाया गया था उसको हटा लिया, तो इससे पीपल को ये बहुत बेनिफिट हुआ। तो ये एक अच्छा रूलर बना इस डायनेस्टी का। अब इसके बाद जो है फिरोज तुगलक के बाद आया शासन में नशीरुद्दीन तुगलक। नशीरुद्दीन तुगलक था, उसके समय में वे तैमूर इन्वेशन हुआ इंडिया में। तैमूर इन्वेशन हुआ नशीरुद्दीन तुगलक के समय में। तैमूर जो था वे भारत पे आक्रमण किया, किसके टाइम में? नशीरुद्दीन तुगलक के समय में। और तुगलक डायनेस्टी को अपना शासन जमाया। दौलत खान इस पर शासन करने लगा। और दौलत खान के बाद सैयद खिजरा खान जो था वे, उसने इसका मर्डर कर दिया दौलत खान का, और फिर वे शासक बन गया। और सैयद डायनेस्टी इसके बाद शुरू हुआ। उसके बारे में हमारे पास बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है, बस इतना नॉलेज कि, और इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी भी नहीं है। तो इसके बाद चार रूलर हुए सैयद डायनेस्टी में, और चार रूलर के शासन करने के बाद बहलोल लोदी ने अटैक किया और न्यू डायनेस्टी का फाउंडेशन किया, जिसे कहते हैं लोदी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।